answer is here. तो ठंडी का मौसम आ चुका है और आपने एक कॉमन चीज जरूर नोटिस की होगी, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जब आपको ठंडी लगती है तो आपको गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा आपके साथ कुछ कुछ इमोशंस के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ एक बार एक मूवी देखने गया था, तो उसमें क्या हुआ था, वो एक हॉरर मूवी थी और उसमें एक बहुत ही डरावना सीन था, और जब मैं और मेरे दोस्त थिएटर से बाहर निकले थे तो वो जो मेरा दोस्त था उसके रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब उसको गूज बम्स आ गए थे। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जब हमें ठंडी लगती है या फिर कोई एक्सट्रीम इमोशन होता है जैसे कि खुश होना, दुखी होना, डर लगना, ऐसे में हमें गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितनी भी नई बातें आपको जानने को मिलेगी, ये सारी बातें डॉक्टर योआकिम लॉट्स की रिसर्च के ऊपर बेस्ड होंगी। उन्होंने ह्यूमन बॉडी पे एक पूरी कंप्लीट रिसर्च की थी कि हमें गूज बम्स क्यों आ जाते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे बचते हैं ठंडी से जबकि उनको इतनी ज्यादा ठंडी लगती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी वो कंप्लीट डॉक्टर योआकिम लॉट्स की रिसर्च के ऊपर बेस्ड होगी। तो जो भी रिसर्च उन्होंने की थी वो पूरी रिसर्च मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं। तो पहले के टाइम में जब इवोल्यूशन हो रहा था, हमारे जो पूर्वज थे वो इंसान बन रहे थे, मतलब कि बंदर से थोड़ा सा इवॉल्व हो गए थे और इंसान बन रहे थे, तो क्या होता था उनकी बॉडी में बहुत सारे बाल हुआ करते थे। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो अपने आप को ठंडी से बचा सके। तो उस टाइम में जो उनके बाल हुआ करते थे वो ठंडी के आने पर बड़े हो जाया करते थे, उससे क्या होता था उनके बालों में एक हवा की लेयर बन जाती थी, तो जब भी कोल्ड आती थी या फिर ठंडी हवा आती थी वो लोग उस हवा से बच जाया करते थे गूज़बम्प्स के कारण। पर अब के टाइम में क्या होता है, अब जब हम लोग इवॉल्व हो गए हैं तो अब हमें गूज़बम्प्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिसकी मदद से हम अपने आप को ठंडी के मौसम में भी अभी किसी भी मौसम में अपने आप को उस मौसम के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो पहले के टाइम में लोगों के पास बहुत बाल हुआ करते थे पर अब धीरे धीरे बाल कम क्यों हो गए, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, धीरे धीरे आने वाले समय में हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स में से बाल खत्म हो जाएंगे तो हमें गूज़बम्प्स ही नहीं आएंगे। क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है तो जिस भी बॉडी पार्ट का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है उस बॉडी पार्ट को जो हमारा नेचर होता है उसे मिटा देता है। इसका एक एग्जांपल भी है, तो पहले के जमाने में हम लोग के पास पूंछ हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम में हम लोग जमीन पे नहीं रहा करते थे, हम लोग बंदर थे तो हम लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मारा करते थे, इसलिए हमें पूंछ की जरूरत पड़ती रहा करती थी। पर अब के टाइम में हमें पेड़ में कूदा फादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कुछ लोग हैं जो अभी पेड़ में कूदते काटते हैं, उनसे मतलब नहीं हम लोगों को, पर जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनको पेड़ में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अब हमारे पास पूंछ नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि हमारे पूंछ हुआ करती थी तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट को छू कर देखिए, वहाँ पे आपको कुछ उठा हुआ पार्ट दिखेगा, वो जो उठा हुआ पार्ट है वही हमारी पूंछ हुआ करती थी पहले के टाइम में। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे पास बाल की भी कोई जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमारी बॉडी से बाल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब हमको पता चल गया कि जब हमें ठंडी लगा करती है तो हमें गूज़बम्प्स आ जाते हैं, मतलब कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप को ठंड से कैसे बचाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हमारे लिए जो ठंड कम है उनके लिए वो एक्सट्रीम ठंड है। तो जब हम लोगों को ठंड लगती है तो आप सोचिए कि छोटे बच्चों को कितनी ज्यादा ठंड लगती होगी। छोटे बच्चों की बॉडी में जो भी फैट होता है वो उसी फैट का यूज करके अपने आप को वार्म रखते हैं। तो अब मेरे मन में एक सवाल है, अगर छोटे बच्चे अपने फैट से अपने आप को वार्म रख लेते हैं तो क्या जो मोटे लोग होते हैं उन लोग को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में तो बहुत सारा फैट जमा होता है, वो मोटे ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फैट जमा है। सिंपल लॉजिक। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है तो उसमें पता चला कि कुछ मोटे लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंडी नहीं लगती, मतलब जब एक्सट्रीम ठंड लगती है, मतलब कि जब एक्सट्रीम ठंड पड़ने लगती है तब उनको थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, पर कुछ मोटे लोग होते हैं उनको शुरू से ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि जिन बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है उन लोग को ठंडी नहीं लगती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब आपको पता चल गया होगा कि हमें गूज़बम्प्स क्यों आ जाते हैं और अब हमारी बॉडी में इतने ज्यादा बाल क्यों नहीं है पहले के टाइम पे कंपेयर करें तो। रुके, एक मिनट, ठंडी का मौसम आ चुका है और हो सकता है आप में से कुछ लोग रोज नहीं नहाते हो, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं कि रोज नहाना हमारे लिए जरूरी होता है या नहीं होता। और हो सकता है आप पबजी भी खेलते हो, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं कि पबजी गेम खेलने के फायदे क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।